आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये चार प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणिनी आर्यिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री समित शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों को भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। एक वर्ष की आहार व्यवस्था के वार्षिक सदस्य बनकर भी आहार व्यवस्था में सहयोग प्राप्त करके पुण्य के भागी बन सकते हैं। वार्षिक सदस्यता योजना में 365 दिन के लिए 365 सदस्य नामांकित किए जाएंगे, जिनका नाम आहार शाला में अंकित किया जाएगा। सहयोग राशि मात्र 11,000 रुपए। आप अपनी सहयोग राशि दिए गए बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010002737 8, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों को शिक्षा, असहाय गरीबों को उपचार एवं रोजगार एवं पेंशन प्रदान कर किया जा रहा है जन कल्याणकारी कार्य। आप भी निम्न प्रकार सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़कर अपने और दूसरों के कल्याण का माध्यम अवश्य बने। मासिक सदस्यता 1100 रुपए, वार्षिक सदस्यता 11,000 रुपए, साधारण सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, आजीवन सदस्यता 5 वर्ष 51,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,51,000 रुपए, परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011772777, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003। सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार हैं श्रीमती राम प्यारी बाई मुंगबली समस्त परिवार, श्री दीपेश जैन, पायल जैन, आशना जैन, भानवी जैन, 127 बी जैन कॉलोनी, वीरनगर, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। स्वर्गीय श्री अतिवीर जी जैन, धर्मपत्नी पत्नी श्रीमती अरुणा जैन, पुत्री दीपाली जैन, शेफाली जैन, श्रीमती मीनाक्षी जैन, दामाद श्री चक्रेश जैन, श्री मनोज जैन, श्री योगेंद्र जैन, नई दिल्ली। श्री बुद्धमल जी, सलोचना देवी, राजेंद्र, आशीष राजा एवं समस्त परिवार, हेली, पश्चिम बंगाल। श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनिषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि। श्रीमती रीता जैन, धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, समस्त परिवार, अजमेर। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फार्म वाले, गुरुग्राम, सेक्टर 4। पिता सुनील कुमार पाटौदी, माता संगीता देवी पाटौदी, पुत्र सन्नी एवं विवेक पाटौदी, पुत्र वधु प्रिया पाटौदी, सुपुत्री परिणा पाटौदी, पाटौदी परिवार, कतरास। श्री अनिल जैन, सिकंदरा। सुशीला देवी जैन, कटक। पांड्या परिवार, देह, जिला नागौर, राजस्थान। स्वर्गीय श्री सुगन चंद पांड्या, स्वर्गीय श्रीमती मनोहरी देवी, पुत्र श्री फूलचंद जैन, पुत्र पुत्रवधु श्री कल्याण मल पांड्या, श्रीमती गुणमाला देवी।
श्री पुखराज पांड्या श्रीमती अनूप देवी, पौत्र पौत्र वधु श्री पवन पांड्या श्रीमती प्रमिला, श्री देवेंद्र पांड्या श्रीमती संगीता, श्री मनोज पांड्या श्रीमती रश्मि, पर पौत्र पर पौत्री चिरंजीवी अभिनंदन, चिरंजीवी प्रवीण, कुमारी नीलम, कुमारी पुलपुल, कुमारी इंदु। प्रतिष्ठान सुगन चंद फूल चंद पांड्या, डेह जिला नागौर राजस्थान। सेठी फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, चरगावा गोरखपुर उत्तर प्रदेश। आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, और आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, और आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी क्या है? आदमी एक अंतरदेशी लिफाफा है जो एक दो और तीन मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। हर आदमी की इतनी सी कहानी है, पैदा हुए, पढ़े लिखे, नौकरी की, शादी की, बच्चे हुए, पेंशन ली और मर गए, इतनी सी कहानी है। आदमी बहुत ऊंचाइयों तक जाता है। यदि पाप निरोधन ने संपदा किम प्रयोजना, अथा पापस रोशन संपदा किम प्रयोजना। यदि तुमने पाप का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है, और यदि तुमने पुण्य का आश्रव किया है तो संपदा क्या प्रयोजन रखती है। कहते भी हैं, पुण्य फले तो सब फले, वनिज खेत व्यापार। आज लोगों की धारणा ये है कि पैसा होगा तो कुछ होगा। मैं कहती हूँ दूसरा पहलू ये भी देखा करो कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। पैसा होने के बाद भी जीवन में धर्म नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जीवन में प्रेम और वात्सल्य नहीं है, तो वो कोठियाँ भी काल कोठरियाँ लगती हैं, वो बिस्तर भी अंगारे की तरह लगते हैं, वो परिवार जन भी राक्षस की तरह लगते हैं। आप जब निर्णय करते हैं, कभी आप शादी संबंध करने जाते हैं तो शुरू में लड़की कितनी अच्छी दिखती है और लड़की के परिवार वाले भी बहुत अच्छे दिखते हैं, लेकिन थोड़े दिन बाद वो चंद्रमुखी से सूरजमुखी हो जाती है और बाद में तो ज्वालामुखी हो जाती है। धीरे धीरे अपना रुतबा दिखाती है और परिवार के लोग भी, शुरू में तो देवता की तरह, फिर दानव की तरह, फिर बाद में तो राक्षस की तरह हो जाते हैं। क्या वजह है? हम उन परमात्मा को मानते हैं जहाँ की आकर दस भव तक जिसने वैर किया, पीड़ाएं देकर मनमाने, वह स्वयं झुक गया पार्श तुम्हारे चरणों में वह अभिमानी। कल्याण मंदिर में एक बहुत अच्छी बात कही है कि आपने कर्मों को कैसे मारा है, क्योंकि आप पर कोई अस्त्र शस्त्र नहीं थे, आप पर कोई ऐसी चीजें नहीं थी, आपने क्रोध भी नहीं किया, फिर आपने कमट को कैसे बस में कर लिया। तो कहा है बहुत सुंदर बात कि क्या ज्यादा सर्दी से क्या पत्ते पाला नहीं पड़ जाता है, ज्यादा सर्दी यानी बहुत ठंडक हो तो भी पाला पड़ जाता है। आपके परिणाम में इतनी शीतलता थी कि वो उसका अभिमान गल गया। हम जिंदगी भर भगवान की पूजा करते हैं, हमारा अभिमान नहीं गलता है। हम मंदिर बना लेते हैं लेकिन मन को मंदिर बनाने से चूक जाते हैं। आदमी इतना बेईमान हो गया, पूरा समाज मिलकर एक मंदिर बना लेता है लेकिन अपने मंदिर को गंदा कर लेता है। मंदिरों के नाम पर लोग झगड़ लेते हैं, प्रतिमाओं के नाम पर झगड़ लेते हैं, संत के नाम पर, पंथ के नाम पर, ग्रंथ के नाम पर झगड़ लेते हैं। अरे मंदिर तो वो गए जो मन के अंदर की गंदगी मिटा दे, मस्जिद वो है जो मन की जिद मिटा दे, गुरुद्वारा जो है जो गुरु के द्वार पर जाना सिखा दे, गिरजा वो है जहाँ जाकर हम गिर जाएं, गिर जाएं का मतलब अभिमान गिर जाए हमारा। लेकिन हमने मंदिर कैसे बनाए? हमने ईंट चूनों के मंदिर बना लिए,
बनाओ, ये मंदिर भी पुण्य से मिलते हैं, क्योंकि इसके लिए भी बहुत अच्छी बात कहिए, परमाणु पुद्गल तणी परमात्म संयोग, भई पूज सब लोक में हरे जन्म कारो। कहते परमाणु पुद्गल तणी, ये प्रतिमाएं पीतल की, पाषाण की, चांदी की, सोने की, स्फटिक की, माणिक की हैं, ये सब पुद्गल हैं। ये पृथ्वी का धातुओं का कलेवर है, लेकिन फिर भी इनमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की है। अब ये पाषाण नहीं रहा, अब ये पीतल नहीं रही, क्योंकि एक पीतल की परात होती है जिसमें पैर धोते हो तुम, और एक पीतल की प्रतिमा होती है जिसके आगे तुम झुकते हो। एक बांस का डंडा होता है और एक धर्म का ध्वज होता है। डंडा सिर्फ फोड़ने के काम आता है या फूटने के काम आता है, लेकिन उसमें एक झंडी लग जाए तो धर्म की पताका बन जाती है, धर्म की पहचान बन जाती है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सत्य अहिंसा आ जाए, सत्य और अहिंसा आ जाए, हम आज पग पग पर बेईमान हो गए, क्योंकि मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, मौन के नारे शोर मचा रहे हैं, न्याय के सारे चोर बना रहे हैं। किस डॉक्टर के पास जाएं, अब तो ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, अब तो ताकत के कैप्सूल ही कमजोर बना रहे हैं, क्योंकि हम जिन चीजों से हमारे अंदर नम्रता आनी चाहिए, मंदिर में आते ही हमारे सारे भेदभाव समाप्त हो जाने चाहिए, हम मंदिर में आकर रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए। तुम निरखत मुझको मिली मेरी संपत्ति आज, कहाँ चक्रवर्ती संपदा कहाँ स्वर्ग सामना। कहते हैं भगवान ऐसा भाव आता है क्या? रोज तुम पढ़ लेते हो कि भगवान धन्य भाग मेरो भयो करन लगो तुमसे, और सकल तुम्हारी ऐसी होती है जैसे पिटपाट के आए हो। मंदिर से आते हो, मंदिर आते हो तो आधे काम निपटा के आते हो, आधे छोड़ के आते हो, बोले अभी आए 10 मिनट में जाके आ रहे अभी मंदिर। सोचो यहाँ जाके आया जाता है क्या? बोले तू भी कर ले पूजा का विसर्जन, मैं भी कर लूँ पूजा का विसर्जन। अरे विसर्जन के भाव क्यों आते हैं? पूजा का विसर्जन कर दोगे फिर क्या करोगे? फिर वही पापों का अर्जन कर दोगे। पूजा का किया विसर्जन, अब मैं पाप भाव में उलझ गया, अब तक की मूर्खता भारी तजनीम हलाहल हाय पिया, ये तो भारी कमजोरी गए उपयोग नहीं टिक पाता गए, तत्वाधिक चिंतन से हटकर ये दूर पाप में जाता है। ये तो हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है कि मन नहीं टिक पाता है। लेकिन ये मत कहो कि पूजा का विसर्जन करना है, ये ठीक है, इस समय जो संकल्प लिया था उस संकल्प का विसर्जन है, मेरे तो पूरा पूरा जीवन पूजा हो जाए। आप सोचो एक घंटे पूजा कर लोगे 23 घंटे पाप करोगे, 23 घंटे यदि पाप करोगे तो एक घंटे की पूजा काम नहीं आएगी। 23 घंटे कोई बीमार हो और 1 घंटे का मैं तो पूरा स्वस्थ हूँ, मैं तो शुद्ध परमात्मा हूँ, तो ये उसका नाटक होगा, अभिनय होगा, ये धोखाधड़ी होगी। कोई पूरे जीवन भिखारी रहा हो और एक दिन मांग के कपड़े पहन ले और सोच ले मैं तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, तो ये उसकी धोखाधड़ी होगी। इसी प्रकार से हम पूरे जीवन भर दरिद्रता में जीते हैं। आप कहोगे माता जी हमारे पास तो 2-4-10 करोड़ रुपया है, बढ़िया कोठी है, 100 तोला सोना है, 50 बीघा जमीन है, 100 बीघा जमीन। अरे जमीनों से भिखारीपना मिटता है क्या? यदि जमीनों से भिखारीपना मिटता होता तो ऋषभनाथ भगवान की स्तुति करते हुए
क्या कहा है स्वयंभू स्तुत में, स्वयं भूत एतेन भूतले समझस ज्ञान विभूति चक्षुषा। कहते हैं आप स्वयं भूत है प्रजापति ने, आप प्रथमाम जिजुसु ससास कृत्साद सुकर्म सुप्रजा। भगवान आप तो प्रथम इस भूमि के पहले पति थे, कर्मभूमि में आकर पहली बार कोई भूमि ने आपको स्वामी स्वीकार किया था, और आप इतनी समुद्र पर्यंत की पृथ्वी छोड़कर चले गए। कैसे छोड़कर चले गए? जैसे कि कोई विवाहिता सती स्त्री को छोड़कर चला जाता है, अकेला स्वामी हो फिर भी छोड़कर चला जाए। आप क्या स्वामित्व निभाओगे? कितनी जमीन जायदाद है, कितने कागज इकट्ठे करोगे रजिस्ट्रियों के? कभी सोच कर देखना पूरी जिंदगी की कितनी चिंता, कितनी बद्दुआएं, कितनी बेईमानी, कितनी झूठ, कितनी चोरी, कितनी क्रोध मान आया लोभ करके कोई 10-20 मकान भी बना लोगे तो क्या करोगे? मरने के बाद उन मकानों में भूत वेंतर बन के डोलना। अरे वो मकान नहीं चाहिए जिनकी की परमिट आपको थोड़े से दिन को मिली है, साइन बदल जाएंगे, मकान कभी नहीं बदलता। यहां तक कि मकान अपनी जमीन भी नहीं बदलता। मकान तो कहता है तुम कागजों में बदलते रहो, मैं तो अपनी जमीन पे आराम से खड़ा हूं, तुम तोड़ो तब भी मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मेरी जमीन है, एक नहीं दूसरा बना लोगे। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119013002429, IFSC कोड BARB0SHRIMA, IFSC कोड का पांचवा कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02122001011772777, IFSC PUNB 00212000। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस पुण्यशाली योजना से जुड़ने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002, 9376571003।